अबे चपल रंजो, रंग छोड़ दे। अरे माई का तो तू छोड़ दे। अरे तू छोड़ बोला ना। अरे तू छोड़। अरे तेरे बाप को जान क्या ये? अरे गाली नहीं देना। हाँ। ये ट्रंक तेरे बाप का ना मेरे बाप का? अरे ये ट्रंक तो उस बेचारे गुड़िया का। अरे जो कुछ भी मिलेगा वो आपस में आधा आधा बांट लेंगे। वाह वाह वाह, आधा आधा बांट लेंगे। नब्रो तेरे बाप का राज है। मारना नहीं, मारना नहीं है, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। तुम लोग, तुम तो कह रहे तुम लोग। अरे सेठ जी आप फैसला कर दो, ये ट्रंक मेरा है और ये बोलता मेरा है। नहीं हुजूर ये ट्रंक मेरा है हुजूर। तुम दोनों का ट्रंक है, फैसला कर दे। हाँ बोले। अगर ये ट्रंक तुम्हारा है तो बताओ इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कपड़े हैं, कपड़ों के ऊपर लाल तौलिया है, लाल तौलिया के ऊपर रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1000 रुपए। ठीक है तुम बताओ। मैं क्या बताऊं माई बाप, इस हराम को तनिक से बात करो। आपको सब कुछ बता दिया माई बाप, मगर मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ माई बाप, ये ट्रंक जो है मेरा है। इस ट्रंक के अंदर कपड़े जो है वो भी मेरे हैं, और कपड़े के ऊपर लाल तौलिया, लाल तौलिया के ऊपर 1000 के नोट, सब कुछ मेरे हैं माई बाप। ट्रंक की चाबी लाओ। चाबी 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 इसके पास है। हाँ वो चाबी। अरे चाबी इसके पास है उधर, मेरे पास। झपटी में गिर गई माई बाप। हां भाई राम सिंह इसका ताला तोड़ दो। ये देखिए माई बाप, गिन लीजिए 1000 के नोट है। और देखो क्या है। Yes, yes. देखिए वो ट्रेन। मैंने लाश को ठिकाने लगा दिया। गुड, वेरी गुड। अब आप अपने वादे के मुताबिक मेरी माँ को रिहा कर दीजिए। अभी नहीं, अभी तुमसे बहुत काम लेना है। लेकिन बॉस आपने तो कहा था कि ये मेरा आखिरी काम होगा। सुनो तुम्हें मालूम है मेरा कोई काम आखिरी नहीं होगा। किसी मजबूर की बद्दुआ मत लो बॉस, ये आहे तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सुना तुम्हारे डांस का वक्त हो गया, जल्दी चलो। बिल्कुल नहीं, अब मैं ये बाजारी डांस हरगिज नहीं करूंगी। करोगी, उस वक्त तक करोगी जब तक तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है, जब तक तुम ये नहीं बता दोगी कि तुम्हारा अपहाज बाप कहाँ छुपा हुआ है। अव्वल तो मुझे मालूम नहीं,
अगर मालूम भी होता तो कभी नहीं बता। बेटी सोना से मिलवा देंगे, तुम हमें अपने पति शेर सिंह से मिलवा दो, जिसने हमारे साथ गद्दारी की है और ये धमकी दी है कि हमारे सब राज पुलिस को बता देगा। उसने वही किया है जो एक सच्चे और ईमानदार आदमी को करना चाहिए था। हम भी वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। कमी नहीं, और नहीं तो भगवान के क्रोध से दर्द। तेरे घर में भी जवान बेटी है, अगर तुझे उससे छुड़ा कर इस तरह बंद कर दिया जाए तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। बकवास बंद कर बुढ़िया, याद रख एक ना एक दिन कोई ना कोई जरूर आएगा जब तुझसे तेरे गुनाहों का बदला लेगा। Hey!
मेरे प्यारे भैया, आप ये पढ़कर फूले नहीं समाएंगे कि मैं इस साल के मुकाबले में भी अव्वल आया हूं। पुलिस कैंप की तारीख में यह पहली मिसाल है कि एक शख्स ने एक साथ इतने इनाम हासिल किया हूं। यह सब आपके चरणों का प्रताप है भैया। आप मेरे बड़े भाई ही नहीं, माता और पिता भी हैं। जो जो मुसीबतें उठाकर आपने मुझे कोर्स करवाया है, उसका उपकार तो मैं शायद ना चुका सकूं, मगर इतना प्रण करता हूं भैया, जब तक जीऊंगा कानून और इंसाफ का झंडा ऊपर ही ऊपर ले जाऊंगा। और क्या लिखूं, चंद दिनों में स्वयं आकर आपके और भाभी के चरण छूऊंगा। राधा और घनचक्कर को मेरा बहुत 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 प्यार। आपका राजन। हाँ भोरे, आ जाओ। ये आपका टेलीग्राम। हाँ? गलती से जेब में रखकर ड्यूटी पे चला गया था, इसलिए दो दिन बाद। अच्छा, कोई बात नहीं, जाओ। फादर मर्डर कम सू तक भैया घर पर गायब रहे और आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा तो कई बार हुआ है भैया, पिताजी एक दिन कहकर जाते और एक हफ्ता के बाद लौटते। और उनकी लाश? पुलिस स्टेशन में ही, किसी ने उनकी हत्या करके उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया था। इस कत्ल के पीछे जरूर किसी की साजिश है। क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने मेरे बारे में, राधा के बारे में, तुम्हारे बारे में। कितने दुख की बात है कि एक हफ्ते बाद मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन भैया इस खुश मौके पर दुनिया में नहीं होगा। अदा बस करो, रोने से कुछ नहीं होगा। भाई क्या कर रही हैं आप भी दिल छोटा कर रही हैं। आप दिल छोटा करेंगे तो बच्चों का क्या होगा भाभी। मालूम नहीं भैया तुम्हारी हत्या किसने की और क्यों की, लेकिन तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक मैं उस हत्यारे का पता लगाकर उसे फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक एक पल भी आराम से नहीं बैठूंगा। हाँ, तो राजन कहो तुम क्या कहना चाहते हो। मेरी ओर से यही दरखास्त है सर, मेरे स्वर्गीय भाई के कब का केस मुझको ही हैंडल करने दिया जाए। तुम्हें मालूम है राजन, कहकर तुम मुझे कितनी बड़ी उलझन में डाल रहे हो। उलझन कैसे सर, कोई ना कोई इंस्पेक्टर तो इस केस को डील करेगा ही। समझते क्यों राजन, अभी तुम नए हो और ये केस है तुम्हारे अपने भाई के खून का। हो सकता है इंतकाम और जज्बात की रो में बहकर कोई गैर कानूनी काम कर बैठो। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की जिम्मेदारियों को खूब समझता हूँ, यकीन मानिए सर, मैं आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजन, तुम्हारे जोश, तुम्हारी लगन और तुम्हारे उत्साह को देखकर अपनी जिम्मेदारी पर मैं खतरा मोल ले रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे इतना याद रहे कि तुम्हारा एक भी गलत कदम मेरे लिए मुसीबत का बायस बन सकता है। मेरी रगों में भी एक शरीफ आदमी का खून है, यह सर कट जाएगा लेकिन आपका सर नीचा नहीं होने देगा। ओके, गुड लक माय बॉय। थैंक यू सर।
आपने खतरा मोल लिया। पुलिस का काम ही खतरों से खेलना है। तुम देखोगे कि एक दिन ये नौजवान हमारे महकमे का नाम ऊंचा करेगा। तो कल का छोकरा अपने भाई के खून का पता लगाएगा। हाँ बॉस, सुना है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का इंस्पेक्टर है। जितना ही ज्यादा खतरनाक होगा उतना ही जल्दी जाएगा। बॉस एक बात पूछो, रामचरण आपके भरोसे का आदमी था, आप उस पर लाखों का एतबार करते थे, फिर भी आपने उसे कत्ल क्यों किया? तुम ही सवाल क्यों कर रहे हो? नहीं, इसलिए कि उस वक्त मैं यहां नहीं था। तो सुनो, उस दिन जब ट्रक में मेरा मादा जा रहा था, कृष्णा बाबू कुलदीप गोपाल ये क्या? सोना मूंगफली की बोरियों में। कमाल है रामचरण बाबू, 10 बरस हो गए हैं यहाँ काम करते हुए और ये भी नहीं मालूम कि मूंगफली की बोरियों में क्या जाता है। मगर ये तो जुर्म है, देश के साथ गद्दारी। हमें क्या लेक्चर दे रहे हो, जाकर बॉस से बात कर लो। रामचरण तुम्हें देश की चिंता क्यों है? ये काम तो लीडरों का है, तुम्हें तो तुम्हारी तनख्वाह हर महीने मिल जाती है। सेठ जी, मुझे नौकरी देकर अगर आप ये समझते हैं कि आपने मेरा ईमान खरीद लिया तो ये आपकी भूल है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी नौकरी पर और ऐसे पैसे पर। रामचरण सेठ जी, मैंने अपने छोटे भाई को पुलिस में भर्ती इसलिए नहीं करवाया कि वो मुझे मुजरिम और गुनहगार के रूप में देखे, बल्कि इसलिए करवाया कि आप जैसे देशद्रोहियों को जेल के साफन में बंद कर सके। रामचरण, तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत देखती है तो सुन लीजिए, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन आपके कार्गो की खबर करने के लिए। रामचरण, अगर पुलिस में जाओगे तो खुद ही मारे जाओगे, क्योंकि गोदाम के हर कागज पर तुम्हारा ही दस्तखत है। मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं सच्चाई के लिए फांसी के तख्ते पर उतर जाऊंगा। हट जाओ। सैयद, इस तरह रामचरण राम के चरणों में पहुंच गया। पूछ रहा हूँ, बता दे खून किया या नहीं? बिल्कुल नहीं माई बाप, मैं अपने धंधे और रोजी की कसम खाकर कहता हूँ मैं तो छोटा मोटा मामूली चोर हूँ। उस बुढ़िया को 1,000 के नोट ट्रंक के अंदर डालते देखा तो मुंह में पानी भर आया माई बाप। वो क्या बकता है? उस दिन मेरी मार तो 100-200 रुपए की है, किसी के अंधेरे में अंगूठी उतार ली, किसी की घड़ी उतार ली, खून तो मेरे बाप दादा ने किया तो मैं क्या करूँ? इन दोनों सालों को अंदर बंद कर। ये रहा उनके मालिक का पता जिनके फॉर्म में आपके भाई साहब काम करते हैं। इंस्पेक्टर, कुछ समझ में नहीं आता, रामचरण जैसे धर्मात्मा आदमी का खून करके किसी को क्या मिला? उसने मेरे साथ 10 साल काम किया, कभी कोई शिकायत नहीं। मेरा तो वो दाया हाथ, तुम्हारे गम का अंदाजा मैं लगा नहीं सकता। तुम्हारा तो सगा भाई था। जी मेरे सगे भाई नहीं बल्कि पिता समान भी थे। अच्छा मैं चलता हूँ,
अगर आप लोगों की गवाही की जरूरत पड़े तो शायद आप लोगों को कोर्ट तक आना पड़ेगा। जरूर जरूर इंस्पेक्टर साहब, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारे दोस्त के खूनी को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पे चढ़ाएं। और इसमें जितना ही रुपया खर्च हो मैं देने को तैयार। जी जी इसकी कोई जरूरत नहीं भैया, खूनी एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। ये मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। ये कुछ पैसे रामचरण की बीवी और बच्चों के लिए, उनकी तनख्वाह के बाकी है। ये हमारी तरफ से उनकी मदद के लिए। जी नहीं अजीत साहब, मेरे जीते जी भैया के बीवी और बच्चों किसी और की मदद की जरूरत पड़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जगदेव जी। बॉस ये आदमी स्मार्ट मालूम होता है, मुझे डर है कि अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। तो हमें क्या करना होगा? इसे वापस घर नहीं पहुंचना चाहिए। बाप की सड़क समझ के घेर रखा है। क्या हो रहा है सर? मैंने पूछा क्या हो रहा है? घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने जो इंजेक्शन दिया है उससे पूरा फायदा होगा और सुबह तक ये चलते फिरते नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। ये यहाँ कैसे? आप इन्हें जानते हैं? आप दिनी को तो मुझसे मिलने आया था। ये बदनसीब रामचरण का छोटा भाई है और पुलिस इंस्पेक्टर है। रामचरण का भाई जिनका खून हो गया था? हाँ। ये भी मरते मरते बचे हैं। कुछ लोग इन्हें सड़क के किनारे मार रहे थे, मेरी गाड़ी देखते ही भाग गए। लेकिन बेटी तुम्हें इस मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत थी? मुसीबत कैसी दादी, इंसान को तो इंसान के काम आना चाहिए, और फिर आप ही ने तो ये सिखाया है। खैर वो डॉक्टर क्या कह गया? खतरा टल गया है, सुबह तक चलते फिरते नजर आएंगे। वेरी गुड। आखिर तुमने उसे जिंदा छोड़ा है क्यों? आप समझते क्यों नहीं? अब तुम मुझे समझाओगे? आज आपने मुझ पर हाथ उठाया। आज हाथ उठाया, कल गोली मार दूंगा। तमाम और करो बात आ रही है। और दो उस बदमाश का साथ। सोना रमेश आखिर ये कब तक चलता रहेगा? पानी सर से गुजरा जा रहा है। लगता है तुम्हारा और मेरा अंजाम भी रामचरण सा ही होगा। अगर मेरी माँ की रिहाई का सवाल ना होता तो मैं अभी इसी वक्त उसके मुंह पे थूक के चली जाती। ओके बॉस।
नमस्ते पहलवान जी। अगर डॉक्टर ने सिगरेट पीना इतना ही जरूरी बताया है तो माचिस साथ में रखा करो बेटा, ये लो। ये मर गया। हो सकता है उसी ग्रह का आदमी हो जिन्होंने तुम्हारे भाई का कत्ल करवाया, वरना की जुर्रत कैसी होती कि मेरे घर में आके मेरी मेहमान पर हमला करे। अगर ये मर नहीं गया था अजीत साहब तो मैं इसके ग्रह का पता लगा ही लेता। इस जिले में जब भी तुमको मेरी मदद की जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया। आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? डॉक्टर ने तो आपको चलने फिरने से भी रोका। रात भर गुंडे से लड़ता रहा तो कुछ नहीं, अगर चलने में क्या होगा। मैं जा रहा हूँ और आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद कैसा, ये तो इंसानी फर्स्ट था। सुनिए आपको घर जाने की बहुत जल्दी है। जल्दी है भी और नहीं भी है। भी और नहीं भी है क्या मतलब? मतलब जल्दी है इसलिए कि पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, ड्यूटी पे पहुँचना जरूरी है। और जल्दी नहीं है वो इसलिए कि आप जैसे रहने और खूबसूरत लड़की को छोड़कर कौन जाना जाएगा। अगर ये बात है तो फिर जल्दी नहीं है वाली बात कीजिए। ऐसी बात? तो अगर नौकरी से डिसमिस हो गया तो आपके पिताजी को मेरा भी ख्याल करना पड़ेगा। करेंगे तो रहेंगे। नमस्ते जी। छुट्टी कर दी। की गल हो गई, रुक क्यों गए? अरे बागरा बुढ़ा बाप खड़ा होगा, उससे मालूम है आज मुझे तनख्वाह मिलेगी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं छोड़ेगा। और तू तो जानता है आज मैंने उससे बुलाया है। किन्नो अपनी मशहूर? अरे मुंह संभाल के बात कर, मशहूर होगी तेरी। मेरी तो होने वाली बीवी है। फिर बुढ़े को लो क्यों डरना है तू? अरे बुढ़ा नहीं चाहता शादी से पहले हम एक दूसरे से मिले, अब मैं क्या करूँ? बुढ़ा आ रहा है तुझसे पता, मैं इधर से निकल जाता हूँ। और जून दे रहे हो मशूका वाले हो। रब जी रब जी रब जी रब जी। सरदार जी वो बदमाश की लड़की साला। शेर जी इस उम्र में भी साले ने लपदे में। ओहो मेरा मतलब है वो घनश्याम बदमाश की तरह। ओ तो सवेरे ही चला गया तनख्वाह लेके। तनख्वाह लेके साला बदमाश मुझे झांसा दे गया। सरदार जी लिख क्या लिखूं? उसते हीर और यहाँ पे रांझा इस जमाने में। अरे हीरो रांझा किस जमाने में पैदा नहीं हुए मेरे दोस्त? जब तक मोहब्बत का नाम इस दुनिया में जिंदा है हीरो रांझा नित नए रूप लेकर पैदा होते ही रहेंगे। जल्दी कर कहीं कोई मोहब्बत का दुश्मन ना आ जाए। बदमाश इस तरह से पैसे खराब करता है क्यों? ए दुकानदार मिटा दे आम मिटा दे। सर जी आशिक हुसैन के लिखे हुए नाम है आसानी से नहीं मिटाए जाते। ये सारा बदमाश निकाल पैसे। और सुन लड़की शादी से पहले अगर तुझसे मिलने आई तो टांगे तोड़ दूंगा। बदमाश चलो ये उधर कहाँ देता है, इधर ला चलो। उठ साला बदमाश और तू मुझे क्या देख रही है? चल जा अपने घर साली बदमाश निकल लेते। अरे ठीक है बाजी ऑटो जी लड़के को जाने दो। Thank you.
अबू देखो बारिश आ रही है, अब मुझे जाने दो, बाबा अकेले घर में परेशान हो रहे हैं। और हम जो इतने महीनों से परेशान हो रहे हैं उसका डालें, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। हम तो जाने देंगे लेकिन वो नहीं जाने देगी। देखो ना कितने जोर शोर से बरखड़ाने आ रहे हैं। अरे हाँ अब क्या करें। लिखे गए जी पिताजी। और हाँ राजन का उन्हें भी बुलाएंगे क्या? बेटी जिस कॉलेज में तुम पढ़ती थी ना उसका प्रिंसिपल मेरा शागिर्द रहा। और कोई आए ना आए हमारा राजन जरूर आएगा। और हाँ सुनो उसका इनविटेशन तुम खुद लेके जाओगी और उसके घर वालों को बुलाना। गुड गर्ल। अरे आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार। मेरा इंतजार? हाँ बहुत नाम सुना है आपका। किससे सुना? अपने भैया से। वो तो दिन रात आपके नाम की माला करते हैं। अच्छा तो आप है राजन साहब के छोटे भाई? नहीं तो क्या बड़ा भाई दिखाई देता हूँ। वैसे मैं हूँ उनका भतीजा, प्यार से उन्हें भैया कहता हूँ। और मेरा नाम है सुरेश, वो मुझे प्यार से घनचक्कर कहते हैं। घनचक्कर?
बहुत प्यारा नाम है, इस नाम के लिए तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। सच्ची? ये नाम आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तो ये नाम आप रख लीजिए, मैं कोई और नाम रख लूंगी। चलिए अंदर चलिए। घर से कोई नहीं? अगर आप मुझे कोई नहीं समझती हैं, तो सोचिए फिर घर में कोई नहीं। नहीं नहीं। और अगर समझती हैं, तो ये आ गई मेरी मम्मी और वो आ गई मेरी फूफी, यानी कि मेरी भैया की बहन मिस राधा, और माँ आप हैं मिस पूनम, यानी कि भैया की माला का मनका। इस घनचक्कर की बातों का बुरा न मानना बहन, ये तो है ही घनचक्कर। देखिए मिल गया ना आवाज, कंग्रेचुलेशन। मैं अपने बर्थडे का इनविटेशन कार्ड देने आई हूँ। ये हम सबके लिए है या सिर्फ भैया के लिए? सबके लिए। जरूर आइएगा। जरा बर्थडे केक 10 किलो का मंगवाइएगा, मैं जरा केक ज्यादा खाता हूँ। डन। अच्छा तो मैं चलती हूँ। इसने मेरे पांव छुए। इशारा कर गई है माँ, आगे तुम समझो ना समझो। क्या मतलब? मतलब ये है कि शहनाइयां जल्दी बजवाई। और ये है मिस चांद। हाँ बिल्कुल, चांद का टुकड़ा आप। क्या? कुछ नहीं। और आप? मुझे सुंदरी कहते हैं। अरे कहने की क्या जरूरत है, अगर मुझे कोई नहीं भी बताता तो मैं समझ जाता इस महफिल में अगर कोई सुंदरी है तो आप है। क्या सब करती हैं आप? अब चलिए भी उधर। अरे कोई 10 किलो के केक का भी तो ख्याल करो। अरे कर रहा हूँ। बड़ा बड़ा ठंडा हो जा रहा है, छोटी हो रहा है, झिका भी बिल्कुल मेहमान बेलगाम हो रहे हैं। अजी उन्हें बेलगाम नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा काटो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। अब इसी खुशी में तुम एक फड़कता हुआ डांस करोगी, बशर्ते कि तुम एक भड़कता हुआ गाना गाओगे। गाना? बहुत अच्छा, आप जरूर गाइए, आज के सिचुएशन में बहुत अच्छा गा सकती हैं, है ना? निशान इधर आइए, गाइए। कौन? अच्छा ये बताइए भैया, आपको सिंगिंग आती है?
आइसक्रीम वगैरह मेहमानों को दो। ये सिर्फ इंस्पेक्ट राजन के लिए। यस। आपका बर्थडे और आप आइसक्रीम नहीं खा रहे? जी नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। आप अपने मिस सुंदरी और मिस चांद को खिलाइए। ऐसी बात है तो क्यों नहीं खिलाऊंगा, लीजिए। और चांद पे कहाँ जा रहे हैं, पहले जमीन वालों को तो पूछिए। लाइए मैं खाती हूँ। जिसे इतने पैसे दी है वही खाएगी। चलो चलो, शर्मा मत ना। इसमें की शर्म उसके फूटे कर्म। ए, तुमने केक खाया? पूरे 10 किलो का था, पता है? अभी 10 का हो या 20 का, अब तो हजम भी हो गया। अब हम आइसक्रीम की प्लेट गिनते चलिए। अरे अंकल, मैं भी कितना दे दूं, खाया ही चले जा रहा हूँ। इस घर के लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। लो अंकल, ये प्लेट मेरी तरफ से, यानी कि घनचक्कर की तरफ से। अच्छा, तो घनचक्कर तुम्हारा नाम है? हाँ अंकल, मैडम ने सबको ये नाम क्यों पसंद है, आपको भी पसंद है? बुरा नहीं है। तो फिर ये लीजिए। बेटा तुम खाओ ना, खाओ। बड़ों के होते हुए ये बदतमीजी मैं कैसे कर सकता हूँ? पूनम दीदी, आप ही ने अपने हाथ से खाया। मैं तुम्हारी बात कैसे मोड़ सकती हूँ? डैडी खाइए ना, खाइए प्लीज, खाइए ना। माफ करना साहब, आपका ट्रंक कॉल। सॉरी माडिया। अरे बरखुरदार, ये तो मेरा भाई हाथ का खेल था। अरे भैया, अगर कहीं दाहिना हाथ पड़ जाता ना तो औलाद तक भी गंजी पैदा होती, समझे? वाह वाह वाह, क्या बात कही। अरे इसी बात पे एक शेर अर्ज किए देता हूँ कि अपने जज्बात में एक बरकत तपा रखता हूँ, अपने जज्बात में एक बरकत तपा रखता हूँ, दिल का सच्चा हूँ, मोहब्बत की दुआ रखता हूँ। अरे ढलते सूरज की हसी तुमने उड़ाना यारो, ढलते सूरज की हसी तुमने उड़ाना यारो, लाख बूढ़ा हूँ मगर दिल तो जमा रखता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात। अरे बात तो कहेंगे ही, रखेंगे बेटा रखेंगे, तुम भी रखो तस्वीर। मुझे जहर पिला दे ताकि, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा भाई खाने से।
और कहूंगा अरे बड़े भैया बजू हो करते रे कूचे से हम निकले बड़े भैया बजू हो करते रे कूचे से हम निकले बड़े और कितने मरना है क्या? अरे मरने का इरादा तो नहीं, आज तो मैं मारने के इरादे से आया हूँ। चिचुम चिचुम। किसे? आई उसे, उसे जिसने मेरे इकलौते चाहते प्यारे बेटे का खून कर दिया। अरे कितना मजीदा मेरा बेटा, अरे कसम से मेरे बेटे के खूनी के खून करने वाले को 10,000 रुपया दूंगा। अरे मैं 15,000 भी दूंगा, अरे मैं 20,000 भी दूंगा। आई किसी भाई के लाल में हिम्मत है नहीं। चिचुम अरे तुम्हारी शक्ल से तो ये भी नहीं लगता कि तुमने जिंदगी में कभी चूहा मारा हो। अरे मुझे तो किसी तजुर्बे कार खूनी की जरूरत है भैया, मैं तो जाता हूँ। शक्ल पे मत जाओ, मैं बेसियों खून कर चुका हूँ अभी पिछले हफ्ते। सैयद आ गया, तुम यही ठहरो। अरे तुम भी यही ठहरो मुन्ना, मेरे मुझे बता के जाओ पिछले हफ्ते तुमने खून किसका किया था। हाँ सब कुछ बताता हूँ, सैयद समझ कर रखो। अब तुम सैयद से कभी नहीं मिल सकोगे साले। जाओ लालू। तो हमारा ना इंस्पेक्टर ही था, इसीलिए बर्थडे पार्टी में से जल्दी चला गया। मगर ये अच्छा नहीं हुआ पास, लालू जरा कमजोर दिल का आदमी, अगर पुलिस के दबाव में आकर सच सच बोल गया तो हम सब लोग फांसी के तख्ते पर होंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। सैयद कुछ भी करो, लालू की जुबान नहीं खुलनी चाहिए। यस बॉस, ऐसा ही होगा। हाँ तो पिछले हफ्ते किसका खून किया था बताओ? किसी का भी नहीं था, मैं तो यूं ही नशे में बोल गया था। तेरा नशा अभी मैं उतार दूंगा बेटे। सेठ के मैनेजर रामचरण का? नहीं तो रामचरण, इस नाम के मैं किसी भी आदमी को नहीं जानता साहब। साला तू सब जानता है, देख सच सच बता दे वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो कुछ कौन जानता है। साहब आईजी साहब का ट्रंक कॉल है आपके लिए। अच्छा तुम चलो बेटा, मैं तुम्हें 5 मिनट की मोहलत और देता हूँ, इस बीच फैसला कर लो तुम्हें जिंदगी चाहिए या मौत। सैयद कुछ तो शर्म कर, हर तीसरे दिन कोई ना कोई गड़बड़ करके यहाँ चला आता। हजूर माई बाप, ये तो मेरा घर है, मैं रहता हूँ तो रोटी पानी की चिंता मुझे करनी पड़ती है, यहाँ आता हूँ तो आप लोग करते हैं, इसलिए हजूर सलाम करने चला आता। लेकिन एक बात याद रख सैयद, तेरे दाखिले इतने हो चुके हैं, इस बार कम से कम तो 3 साल के लिए अंदर जाएगा। हजूर माई बाप, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे जिंदगी भर के लिए। सलाम हजूर। चलो सैयद, तुम कुछ बताया तो नहीं? नहीं, लगता है सालों ने तुम्हें बहुत मारा है, तुम्हारा तो मुंह भी सूज गया है। कितनी बार जेल गया लेकिन ऐसी मार कभी नहीं पड़ी सैयद, ये इंस्पेक्टर बड़ा जालिम है। अगर कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा तो मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा सैयद। लालू तुम ऐसा नहीं करोगे, जान बड़ी प्यारी होती है सैयद, जान बड़ी प्यारी होती है। हाँ भाई फैसला कर लिया? ऊपर कहाँ देख रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा, एक्टिंग करता साले। ये तो भाग गया। अरे ये तो सचमुच मर गया, ये
इंस्पेक्टर साहब, आपने एक बेगुनाह को मारा। क्या बक रहा है? मैं ठीक बक रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? मैंने देखा इंस्पेक्टर साहब दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आए, उन्होंने लालू को एक मोटी सी गाली दी और उसके पेट में घुसे मारने शुरू कर दी। ये झूठ है योर ऑनर, सरासर झूठ है। आप चुप रहिए। फिर क्या हुआ? होना क्या था माई बाप, इंस्पेक्टर साहब के घुसे खाते खाते बेचारा लालू वहीं मर गया। तुम जा सकते हो। आपने क्या देखा? मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना। क्या सुना? इंस्पेक्टर राजन का आखिरी जुमला कि सीधी तरह बताओ वरना मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। थैंक यू, आप जा सकते हैं। हाँ तो बंसी, तुमने क्या देखा? जब मैं ट्रंकॉल की इत्तला देने अंदर आया तो इंस्पेक्टर साहब लालू को मार रहे थे। मार रहे थे? कैसे मार रहे थे? हाथों से। तुम्हारा मतलब घुसों से? जी हाँ। कितने घुसे मारे? मैंने गिने नहीं। That's all your honor. डॉक्टर की रिपोर्ट भी यही लाती है कि लालू की मौत पेट की आंतें फटने से हुई है और आंतें फटी हैं इंस्पेक्टर राजन की मार से। इंस्पेक्टर राजन, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? सिर्फ इतना योर ऑनर कि लालू की मौत मेरे घूसों से नहीं हुई बल्कि सैयद के घूसों से हुई, और ये घूसे उसे उस वक्त पड़े जब मैं 5 मिनट के लिए आईजी साहब के ट्रंक कॉल सुनने दूसरे कमरे में गया। उसी दौरान सैयद अंदर आया और उसने लालू को घूसे मार मार कर खत्म कर दिया। क्या सैयद को मालूम था कि आईजी साहब का ट्रंक कॉल उन्हीं 5 मिनटों में आने वाला था? अरे अरे, ये हो सकता है योर ऑनर, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। लालू और सैयद एक ही गिरोह के 2 आदमी हैं। जब उनके लीडर को यह शक हुआ होगा कि लालू पुलिस के दबाव में आकर कहीं असली राज उगल न दे, उन्होंने सैयद को वहां भेज दिया। योर ऑनर, इस बात का क्या सबूत है कि लालू को सैयद ने मारा? सैयद को मारते किसी ने नहीं देखा, लेकिन इंस्पेक्टर राजन को मारते सैयद ने और इन सब गांव ने देखा। ताज्जुब की बात है योर ऑनर कि अदालत एक 10 नंबरी गुंडे का यकीन कर सकती है, उन शहादतों का यकीन कर सकती है जिन्होंने सिर्फ सुना देखा कुछ भी नहीं, मगर एक सच्चे और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के बयान का यकीन नहीं कर सकती। मुझे आपसे हमदर्दी है इंस्पेक्टर राजन, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। गांव के बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बेशक आपका इरादा खून करने का नहीं था, लेकिन यह खून आपके हाथों हुआ, इसलिए अदालत जेरे दफा 304 ताजी रात हिंद आपको 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। घबराओ नहीं राधा, सच्चों का सिर्फ भगवान होता है। वो जानता है मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझ पर झूठा मुकदमा चलाया गया भाभी। ये तो हम भी जानते हैं देवर जी, अगर भगवान भी आकर कहे कि आपने ऐसा किया है तो भी हम कभी नहीं मानेंगे। तो फिर चिंता किस बात की है? आज नहीं तो कल मैं जरूर छूट जाऊंगा। लेकिन कैसे? आप जेल में बंद हो गए तो आपके मुकदमे की पैरवी कौन करेगा? आप कैसे साबित कर सकेंगे कि आप बेकसूर हैं? चलो राधा। आप जेल में बंद हो गए तो आपके मुकदमे की पैरवी कौन करेगा? आप जेल में बंद हो गए तो आपके मुकदमे की पैरवी कौन करेगा?
तुम ठीक कहते थे शेखर, राजन पर भरोसा करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसने सबके सामने मेरा सर नीचा कर दिया। सर, अब तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द राजन कानून के हाथ आ जाए और अपने किए की सजा पाए। मैं उसकी गिरफ्तारी का काम तुम्हारे जिम्मे सौंपता हूँ। बोलो भाई, क्या पियोगे? देसी या अंग्रेजी? खाने में क्या है? खाने में है मुर्गा है, मुर्गी है, चिकन है, रोस्ट है, आलू है, पैदा है, बिरयानी है, दाल है, पकौड़ा है और झींगा है। अरे गरम क्या है? गरम है सेठ का भैया। अरे कुछ खाने का ले आ थाली में। पुलिस को खबर करने के आए? क्या बोल? बोल, खाली रिवॉल्वर चलाएगा, उंगलियों में मोच आ जाएगी, समझा? गोलियां तेरे पिताजी ने हाथ संभाल कर रख ले कामर। अरे कार्यो जी, नहीं वो इंसान नहीं था, छलावा था वो। रिवॉल्वर यूं यूं घुमाया और गोलियां खाए। तो कौन? किस तरफ गया वो? इस तरफ गया। इसलिए कि तुम जिस मकसद के लिए अदालत से भागे हो, वो मकसद यहां रहकर आसानी से पूरा हो सकता है। मगर आप हैं कौन? मुझे शेर सिंह कहते हैं। जिस कमीने अजीत ने तुम्हें घर से बेघर कर दिया, उसी ने मेरी ये हालत बना दी। मेरी बीवी उसकी कैद में है और मेरी मासूम बेटी उस जालिम के इशारों पर नाच नाच कर उस दिन का इंतजार कर रही है जब वो अपनी मां को आजाद कराने में कामयाब हो सकेगी।
लेकिन ऐसा हुआ किस लिए? अजीत मुझसे भी वही काले धंधे करवाता था जो तुम्हारे भाई रामचरण को भी करने पड़ते थे। जिस तरह एक दिन रामचरण की आत्मा जाग उठी, उसी तरह एक दिन मेरे दिल से भी आवाज आई, शेर सिंह आखिर ये कब तक? एक दिन तो भगवान का मुंह दिखाना होगा। और इसकी सजा ये मिली कि मेरी टांग तोड़कर मुझे अपाहिज कर दिया गया। माफ कीजिएगा। मैं सब जानता हूं। तुम ये तसल्ली करना चाहते हो कि घे मैं अपाहिज होने का ड्रामा तो नहीं कर रहा? आखिर तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो ना? जी नहीं, जी नहीं। बहरहाल ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी ऐसी हालत में आप जैसा हमदर्द और बहादुर साथी मुझे मिला। हम दोनों की मंजिलें एक है अजीत। आप उससे बदला लेना चाहते हैं और मैं उसे सलाखों में बंद देखना चाहता हूँ। बाबा नाश्ता तैयार। अरे इंस्पेक्टर राजू आप यहाँ? जी वो मैं। तुम इन्हें जानती हो बेटी? बहुत अच्छा है बाबा। अजीत साहब की बेटी पूनम मेरी सहेली है, वो अपने दिल की हर बात मुझे बताती है। चले इसी बात पर आप मुझे एक प्याला चाय का पिला। चाय क्यों, मैं आपके लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर देती हूँ। मुझे अपनी छोटी बहन समझ लीजिए। बहन? ये कहकर आपने मुझे मेरी एक और बहन की याद दिला दी, उस भोली भाली मासूम गुड़िया की जिसकी शादी में बड़ी धूमधाम के साथ करना चाहता था, मगर अफसोस सब सपने टूट गए। वाह वाह पंडित शादी लाल, तेरी अपनी शादी तो नहीं हुई लेकिन तेरा निकाला हुआ मुहूर्त आज तक फेल नहीं हुआ। बहन जी सच कहता हूँ, इस सारे वर्ष में ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं निकलता। पंडित जी इसमें तो सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। नहीं बाबू, जब तक भैया नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूंगी। भैया ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरी शादी अपने हाथ से करेंगे। शादी तो शादी, आज रक्षाबंधन का दिन है, भैया राखी बंधवाने तक नहीं आए। राधा आज के दिन तो अगर मौत से भी हाथ छुड़ा कर आना पड़ता तो मैं जरूर आता। भैया कैसी बातें करते हो भैया, तुम हजारों साल भी हो, संसार की सारी खुशियां है तुम्हारी। हो तो जैसी गौ समान बहन की दुआएं मेरे साथ है तो मैं समझता भगवान मेरे साथ है। अच्छा देख, इस बार तो छुप के आना पड़ा लेकिन अगले साल कांटा बजाता हुआ आऊंगा और तेरे ससुराल में आकर तुझसे राखी बंधवा कर जाऊंगा। अच्छा जल्दी कर, पुलिस मेरे पीछे पड़ी, मैं बस बहुत बहुत कम है। राखी बंधवा। भैया दीदी की शादी का मुहूर्त 10 दिन बाद का निकला। अच्छा कुछ समझ में नहीं आता देवर जी, क्या करें? अरे भाभी इसमें समझने की क्या बात है, आप शादी के आराम से तैयारी कीजिए। तुम्हारे बगैर? कौन कहता है मेरे बगैर? जो भाई बहन से राखी बंधवाने आ सकता है क्या इसकी शादी में डोरी ढोंग नहीं आ सकता? कैसी बातें कर रही भाभी आप शहनाइयां बजवाइए, सुहाग गीत गाइए और ये राधा की शादी इसी मुहूर्त में होगी और जरूर होगी। अच्छा भाभी अब मैं चलता हूँ। देखा पंडित शादीलाल का मुहूर्त, अजी मेरा मुहूर्त निकाला हुआ कभी टल ही नहीं सकता, नेवर फेल्ड इन लाइफ। पंडित जी अब अपनी शादी का मुहूर्त भी निकाल दें। अरे मुन्ना मुहूर्त तो बहुत दफा निकलवाए मगर कोई कन्या ही नहीं मिलती सुसरी। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये रही 3 नौजवानों की तस्वीरें जो कि तुमसे शादी करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे घरानों के। और राजन की फोटो में क्यों नहीं? बेटी वो मुजरिम है, उसका तो ख्याल भी तुम्हारे दिल में नहीं आना चाहिए। वो मुजरिम नहीं डैडी, और रहा उसका ख्याल वो कभी मेरे दिल से नहीं जा सकता। लेकिन तुम सोचती क्यों नहीं, उसे 5 साल की सजा हो चुकी है, वो कानून के हाथों से भागा हुआ है। तो क्या हुआ, इंतजार करने वालियों ने अपने पति के लिए 14-14 साल तक इंतजार किया है। बेटी तुम्हारा पागलपन है। ये मेरा प्यार है, मेरी पति भक्ति है, मैं उसे अपना मान चुकी हूँ और जिंदगी के आखिरी सांस तक मानती हूँ। आप मुझे घर से निकाल देंगे, अपनी जायदाद से महरूम कर देंगे, यही ना? कोई बात नहीं, आपने मुझे तालीम दिलवाई है, मैं कहीं नौकरी कर लूंगी। और मेरे बेटे की शादी करती अच्छी लगेगी? लड़की तो बहुत बड़ी बात है, मजदूरी भी करूंगी लेकिन अपने फैसले से नहीं करूंगी। अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो मेरे अरमानों का गला मत घोंटिए। राजन आज नहीं तो कल अपने आप को बेगुनाह साबित कर ही देगा, और अगर नहीं भी कर सका 5 साल तो क्या 50 साल तक उसका इंतजार करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। जो कुछ
है तुम्हारे पास, निकालो। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। गले की चेन और घड़ी निकालो। कुछ नहीं मेरे निकालो, निकालो। अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना ये गुंडे न जाने मेरी क्या हालत बना देते। कितने दिनों बाद मिले हो, अच्छे तो हो? अच्छा हूँ और तुम्हें देखने के बाद और भी अच्छा हो गया। मगर तुम पैदल कहाँ जा रही हो, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ियाँ जिनकी थी उनके पास छोड़ आई हूँ। क्या ए, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मेरे प्यार के लिए इतनी बड़ी कीमत दी, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं पिताजी को छोड़ आई हूँ, अब यही बच्चों के एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और वहीं हॉस्टल में रहती हूँ। कितना भागा, जिसके लिए लाया मुसीबत ही लाया। कैसी बातें करते हो, हर सच्चे इंसान पर मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। चलो कहीं चलते हैं, रात के 10 बजे तक मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। कहाँ चलोगी? किसी होटल में। मेरी भोली भाली लैला, शायद तुझे मालूम नहीं है कि तेरे इस मजनू के लिए आबादी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। चलना ही है तो मुझे किसी वीराने में लेकर चलो। चलो। आपने अगर राधा का रिश्ता तोड़ दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और ये रिश्ता अगर मैंने नहीं तोड़ा तो मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। लोग कहेंगे कि मुजरिमों का घर, ब्याह ब्याह लड़के को सारे बदमाश ने। तू समाज की बात करना चाहिए, मुजरिमों में आप और आपके घर वाले, हम तो इज्जतदार आदमी है। वाह 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 वाह, उबड़ा देखो इन इज्जतदार आदमियों का। बड़े भाई का खून हो गया, छोटा भाई पुलिस में इंस्पेक्टर होते हुए कानून के हाथों से भाग रहा है। अरे बदमाशो, एक दिन तुम सबके सब अंदर होंगे। अंदर होंगे यार, जो इंसानियत को पैसे के तराजू में तोड़ते हैं। बदमाश, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं ये कहने आया हूँ कि ये मंगनी नहीं टूटेगी, मैं राधा के साथ शादी करूंगा और जरूर करूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, हर चीज नहीं होने दूंगा। साले बदमाश, मैं तेरी शादी में बारात ही नहीं लाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं बगैर बारात के शादी करूंगा। मैं यहाँ पुलिस का पैरा बिठा दूंगा। अच्छा, तो मैं मंदिर में जाकर शादी? तो मैं मंदिर के किवाड़ बंद कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं जंगल में जाकर शादी करूँ। क्या जंगल में मंगल करेगा? ये बालक, ये निष्ठुर बालक, मान जा। नहीं मानूंगा। मान जा। नहीं मानूंगा। अच्छा नहीं मानता तो मत मान, जो जी में आए तो कर, चाहे डूब चाहे मर, मैं चला। ऐसी भी क्या करिए, चाय पानी करके जाइए। बदमाश, चाय और पानी मिलाकर इस सारे बदमाश को पिला, इस सारे बदमाश को। तुमने हमारी लाज रख ली बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भूल जाइए इसे, पिताजी का दिमाग गर्म है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। सुना है चंद ही दिनों में उसकी बहन की शादी होने वाली है। शायद शायद नहीं सर, वो जरूर वहाँ आएगा, और एक बार वो वहाँ आ जाए तो बचकर नहीं जा सकता। गो अहेड। थैंक यू। को जल्दी बुलाओ शिखरम स्वान, तो तुम रुकवा नहीं सके, अब मौका है, जायज में 10,000 ले मरो। साला बदमाश, बहुत चलाक है, ख्याल तो बुरा नहीं है, मगर अगर उन्होंने नहीं दिए तो? अरे इज्जत किसको प्यारी नहीं होती, कहते ना बरात वापस लेके जा रहा हूँ। ठीक है, शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? हाँ। लेकिन क्यों? अब मुझे जायज के 10,000 रुपए नगद चाहिए। पिताजी आगे ना अपनी असलियत पर कभी तो चुका है। साले बदमाश, तू चुप रहे, मंगनी के बारे में चुप रहा, शादी के बारे में चुप रहा, अब दहेज के मामले में तू चुप हो जा। मैं चुप नहीं रहूंगा, अगर 10,000 रुपए नहीं मिले तो मैं बारात नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए, इस भरी सभा में हमारे नाक न कटवाइए। देखिए हमारे पास इस वक्त 10,000 रुपए नहीं है, लेना ही है तो शादी के बाद ले लीजिए। जी शादी के बाद कौन देता है कौन लेता है? उठो भाई उठो, ये साले सब बदमाश है। अबे बेशरम पैसा क्या है? कौन है? घर में चाहते हैं? क्या हुआ? तुमको 10,000 रुपया चाहिए? चाहिए। चलो अंदर अंदर। आप बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तुम्हें 10,000 रुपया चाहिए? हाँ हाँ, 10,000 रुपया चाहिए और जरूर चाहिए। दहेज के 10,000 रुपया भरी सभा में चाहिए, समझे? इतना अगर 10,000 रुपया तुम्हें अभी नहीं मिला तो क्या करोगे? साला बदमाश, फिर शादी नहीं होगी। अरे बदमाश, साला शादी होगी, अभी होगी, यहाँ होगी, इसी वक्त होगी। कैसे होगी? तुम्हारा बेटा
तुम पंडित हो या डाकू? हम डाकुओं का डाकू है जो डाकुओं को लूटता है सेठ। राजन साला बदमाश, प्लीज। अगर आवाज की तो यहीं पे ढेर कर दो। समझ गया। अगर जान की खैर चाहते हैं तो भाई सभा में चलकर ये बोल दो कि तुम्हें दहेज के 10,000 रुपए बोल दो। बोलूंगा, मगर पहले ये पिस्तौल जेब में रखो और ये पकड़ जरा जल्दी करो। और सुनो, सुनता हूँ। शादी के बाद अगर मेरी बहन को जरा भी तकलीफ पहुंचाए तो अगर सीना छलने का होगा, समझे? समझ गया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अब बाहर बिल्कुल खामोशी। सुनो भाई, सुनो, मुझे दहेज के 10,000 रुपए मिल गए, आप लोग तशरीफ रखिए। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। मिल गया ना? हाँ, मिल गया। भाभी, मैंने कहा था ना तेरी शादी में जरूर आऊंगा। भैया, भगवान तुझे सुरक्षित रखे। मैं चल रहा जी, मैं बहुत बड़े धन संकट में पड़ गया हूँ, मुझे बचा लो। तुम्हें नन्हे मुन्ने बच्चों का समूह देखो। सुनो बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। अरे वाह, मुझे क्या गुलशन नंदा समझ लिया, कहानी कहाँ से सुनाऊंगा? हाँ, और बहुत अच्छा गाते भी। अरे किशोर कुमार के छठी औलाद में गाना कहाँ से गाऊंगा? बचना है तो जल्दी गाओ। अच्छा सुनाता। बच्चों सुनो, कहता हूँ मैं तुमसे मेरी सच्ची कहानी। बच्चों सुनो, कहता हूँ मैं तुमसे मेरी सच्ची कहानी। कोई नहीं जाने जिसे ऐसी है ये दिल की कहानी। जो सुनो, कहता हूँ मैं तुमसे मेरी सच्ची कहानी। बोलो ला 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 ला।
बच्चों सुनो कहता हूँ मैं तुमसे मिली सच्ची कहानी जो सुनो कहता हूँ मैं तुमसे मेरी सच्ची कहानी बोलो। मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। राजन कभी बकरी बन गया और कभी छतरी में छुप गया। मिस्टर शेखर ये पुलिस का महकमा है, नौटंकी नहीं। मुझे भी किसी को जवाब देना पड़ता है। वो तो मैं भी जानता हूँ सर। अगर जानते हैं तो उसका सबूत दीजिए। मुझे ऐसे चुटकुलों में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ राजन की गिरफ्तारी में और उसे जेल की कोठरी के अंदर बंद देखने में। ओके सर। आप जा सकते हैं। आइंदा अगर आप खाली हाथ आए तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। जाइए। इंस्पेक्टर शेखर यार, क्या कहा? आप कौन बोल रहे हैं? हमारी बिरादरी के? हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कुछ ले लवा के ट्रक आगे बढ़ जाए? रुको मत, तीसरी तरह ट्रक की तलाशी दो। जैसे आपकी मर्जी इंस्पेक्टर साहब। भाई इंस्पेक्टर साहब ट्रक की तलाशी ले रहे हैं। सिपाहियों, अपने बंदूकें फेंक दो वरना तुम्हारे इंस्पेक्टर को गोली से उड़ा दूंगा। फेंक दो। इंस्पेक्टर, जब तक ये ट्रक सरहद से बाहर नहीं जाता तुम लोग यही ठहरोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिपाहियों अपनी बंदूक उठा लो, बदमाशों को गिरफ्तार करो। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने तो हम ठीक वक्त पहुंचाए बिरादर। हमारा उधर का शिकार भाग गया, हमारा इधर का शिकार भी भाग गया, लेकिन कोई बात नहीं बिरादर, हमने अपना फर्ज पूरा किया। अपना फर्ज? भाई भाई का मदद नहीं करेगा बिरादर, किसका मदद करेगा? खान साहब, आपके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। ऊंचे ख्यालात ऊंचे रखना पड़ता, छोटा इंसान आज के दुनिया में नहीं जी सकता। समझ गया बिरादर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ खान साहब, हम आपको छोड़ दें। बिरादर तुम हमारा फिक्र मत करो, हम हवा का झोंका, इधर से आता उधर जाता, पल भर में आग झपक से गायब हो जाता। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सिपाहियों पकड़ लो इसे। खान साहब, ओ खान साहब, क्या सोचे हमसे कोई गलती हुआ? नहीं खान साहब, गलती आपसे नहीं, गलती हमसे हो गई है। ओ लाले की जान, तुमसे कैसा गलती हुआ? खान साहब, आप जानने की गलती हुई है। फिर तो गन यार, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझे पिस्तौल दिखा रहे हो। वो तुम्हारा फर्ज था और ये मेरा फर्ज है। राजन, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, यानी कानून के। मैं कर दूंगा शेखर, जरूर कर दूंगा, लेकिन अभी वो दिन नहीं आया। राजन, वो दिन कभी नहीं आएगा।
शेखर मुझे चैलेंज मत करो। जिस तरह मैं भरी अदालत से भाग सकता हूँ उसी तरह मैं यहां से भी भाग सकता हूँ। अगर चाहूं तो इस रिवॉल्वर की छह गोलियां तुम्हारे सीने के पार उतार दूं, लेकिन मैं उतना गिरा हुआ नहीं हूं, समझे? राजन, रुक जाओ। जब रिवॉल्वर खाली हो ना तो नहीं चलानी चाहिए, खराब हो जाता है। गोलियां मेरे पास। ये साले साहब, जीजा जी आपका तार मिलते फौरन आ गया। अब राजा जी की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है बेटा, हमारी छुट्टी हो गई। क्या हुआ? जब से हमारी शादी हुई है ना, मेरे कमीने बुड्ढे बाप ने हम दोनों को मिलने नहीं दिया, छुप छुप के मिलना पड़ता। वो कहता है जब तक जहेज के 10,000 नहीं मिलते तब तक मैं उसको बहू नहीं मानूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मैं राजा को लेकर कहीं दूर चला जाना चाहता। आपके नाटक में मुझे कौन सा अध्याय करना होगा? अध्याय को खास नहीं, तुम घर पे जाके कहना कि बीमारी ने तुम्हारी माँ की छुट्टी कर दी। जी? मेरा मतलब है तुम्हारी माँ आखिरी दमों पर। आखिरी दमों पर होगी आपकी माँ? मेरी माँ होने लगी? ये सिर्फ नाटक है बेटा, वहाँ जाके रो के कहना कि माँ मरने से पहले एक बार राजा को देखना चाहती है। फिर क्या होगा? फिर बुड्ढा राजा को तेरे हवाले कर देगा, तू उसे ला के बस स्टॉप पर मेरे हवाले कर देगा और अपने घर की बस लाके चले जाना। दादी, मैंने दुनिया में बड़े बड़े चक्कर बनाए मगर आप सबके उस्ताद है। अगर राजा बहन की खुशी का सवाल ना होता मैं अभी आपको छुट्टी कर दूंगा। चलो, कुछ करना तो होगा, लड़की वाले जो ठहरे। बदमाश, तेरा क्या भरोसा? तू कहीं इसको लेके भाग गया तो मेरे 10,000 का क्या होगा? साले बदमाश, बैठ जा, घर की रखवाली कर, बैठ जा। चल राधा, चलो मेरे साथ चलो। माँ, साले बदमाश, जब तेरी माँ मर गई थी तो दो आंसू नहीं बहे थे और राधा की माँ बीमार है तो इतना रोता है? साले बदमाश, सब समझता हूँ, खबरदार जो रोया तो खबरदार है। रंग में बाबा भंगना
डालो, मुंह से कुछ ना बात निकालो, रंग में बाबा भंग ना डालो, मुंह से कुछ ना बात निकालो, आशिक बनकर। चुप साले बदमाश। आशिक बनकर नाम कमाया, छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी, अरे रे 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 छुट्टी कर दी, उस बुढ़े को खूब बनाया, छुट्टी कर दी। घर में कैसे जलता चूल्हा, जो न मैं बनता जी दूल्हा, घर में कैसे जलता चूल्हा, जो न मैं बनता जी दूल्हा, हमने ऐसा। चुप साले बदमाश। हमने ऐसा इश्क लड़ाया, छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी, अरे रे रे छुट्टी कर दी, उस बुढ़े को खूब बनाया, छुट्टी कर दी। अपने दिल पर रखो काबू, हार गए तुम हमसे बापू, अपने दिल पर रखो काबू, बेटा लड़की। चुप साले बदमाश। बेटा लड़की लेकर आया, छुट्टी कर दी, उस बुढ़े को खूब बनाया, छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी, अरे रे रे छुट्टी कर दी, हमने ऐसा प्यार निभाया, छुट्टी कर दी, उस बुढ़े को खूब बनाया, छुट्टी कर दी। ये ले, ये सारे कपड़े और ये सारे बर्तन दोपहर तक साफ हो जाने चाहिए, सुना हरामखोर। पिताजी, हाँ जी, रक्षा बंधन का दिन आज। अरे साले बदमाश, रक्षा बंधन है तो इससे क्या, इसका भाई तो न जीतों में है न मरों में। ससुर जी, जो जी में आए मुझे कह लीजिए, मगर खबरदार जो मेरे भाई के बारे में एक शब्द भी मुँह से निकाला, भगवान करे मेरी उम्र भी होने लगे। देखा पिताजी, कुछ तो शर्म कीजिए, हर जगह अपनी असलियत दिखा देते। बदमाश तू अपना काम कर, 10 बजे से पहले कचेरी पहुंच जा, आज गिरधारी लाल की कुड़की होनी चाहिए, समझा? हो जाएगी। हाँ, हाँ, अच्छा, राधा का बच्चा नहीं तो यहाँ से। राधा, ये बर्तन ये कपड़े सब अभी के अभी दोपहर तक साफ होने चाहिए, समझी? हाँ, अरे बदमाश तू यहाँ भी पहुंच गया, ठहर, तुझे अभी पुलिस में देता हूँ। आज राखी का दिन है, आज मैं बहन के घर में खुशियां देखना चाहता हूँ, मातम ने एक जोर का हाथ पड़ गया तो दम निकल जा रहे हैं। ठीक है, पांव नीचे रख दूं? रख ले। अच्छा दादा, जा राखी ले। अच्छा। बैठ। मेरे बहन को दुख तो नहीं? उसी से पूछ लीजिए, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, पांव नीचे रख दूं। पांव। अच्छा रख दे, ला बहन राखी बांध ले। तुझे कोई दुख तो नहीं है ना? नहीं तो भैया, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ, ये लोग मुझे फूलों में रखते हैं, किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देते, ये इंसान नहीं देता है। वाह रे भारत की नारी, तेरा भी जवाब नहीं, राक्षसों को भी देवता के रूप में देखना ये तेरा ही काम है। सेठ जी, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, मगर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता मेरे बहन को दुख मत देना, ये मेरी जगह का टुकड़ा है। राखी के इन पवित्र धागों की कसम, 10,000 तो क्या, 10,00,000 रुपए भी चुका दूंगा, लेकिन धर्म से कहता हूँ सेठ जी, अगर मेरी बहन का पसीना बहाया तो मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा। ठीक है, हाथ ढीला कीजिए, हाथ ढीला कीजिए, ठीक करें, ठीक है। अच्छा मैं एक खून से तो अभी पूरा बचा नहीं, दूसरा खून करने।
जा रहे हैं, जाइए, यहाँ मिले मैं ऊपर मत मिलना। कौन देवर जी आप? कैसे हो भैया? राधा से तो कल ही राखी बनवा कर आया हूँ, आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए थे, सोचा आज पुलिस की गोली क्यों लग जाए, आपके हाथों का खाना खाकर ही जाऊंगा। खाना? अभी बस नहीं, मजाक कर रहा था, खाना तो मैं खाकर आया हूँ। घनचक्कर कहाँ है? क्या हो भैया? अरे घनचक्कर, आज स्कूल से जल्दी लौट आया? जल्दी? अरे हाँ भैया, आज हमारे स्कूल टीचर का बर्थडे था ना, इसलिए मैं जल्दी लौट आया। तुम छुपा क्या रहा है? केक, बर्थडे प्रेजेंट। ला देगा मुझे? नहीं भैया, ये केक सिर्फ मेरे लिए। अरे ला, क्या है, केक है ये? ये बर्थडे प्रेजेंट नहीं है बेटा, सच्चाई का इम्तिहान और ईमानदारी की कीमत है जो मेरे भैया अपने खून से चुका चुके हैं, और जब तक हम और तुम जिंदा रहेंगे इसे चुकाते रहेंगे। भाभी रो रही हैं आप? ठीक, आप तो हमारी माँ भी हैं, और माएं बेटों का हौसला बढ़ाती हैं, हौसला कमजोर नहीं करती। आज पूछिए। आपको मेरी सौगंध देवर जी, हमारी चिंता मत कीजिए। हाँ तो ये हुई ना बात, आप देखिए मैं हफ्ते में हर मुसीबत का मुकाबला कर सकता हूँ। कितनी देर इस तरह छुप छुप कर मिलना पड़ा? अरे इतनी जल्दी घबरा गए? इतनी जल्दी कहती हो इसे? अब 6 महीने हो गए तुम्हारे चक्कर काटते काटते। बस एक दो दिन की बात और है, रमेश ने मुझसे वादा किया है कि कल वो मुझे अपनी माँ से मिलवाएगा, उसके बाद हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। रमेश और कितनी दूर जाना है हमें? ज्यादा दूर नहीं, वो जो सामने वाला जंगल दिखाई देता है ना, वही तुम्हारे मकान है। रमेश मेरी माँ? समझ लो पहुंच ही गए। इस घने जंगल में मुझे तो कोई मकान दिखाई नहीं देता। सोना, अपनी मंजिल मकान नहीं, जंगल है। क्या मतलब? मतलब मेरी बाहों में आ जा, सब समझ जाएगा। क्यों क्या कर रहे हो? सोना, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, अब मुझे ज्यादा तरसाओ मत। चाहता तो मैं तुझे ही खत्म कर देता, बॉस को तेरे मरने की रसीद तक नहीं मिलती। तुझे माफ किया मैंने, लेकिन बेटा हमारी तुम्हारी जो पुरानी दुश्मनी है वो मैंने माफ नहीं की।
उस दुश्मनी का हिसाब तो मैं दुश्मनी के सिर से ही चुकाऊंगा। जब भाग यहां से। पूरी तरह ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? हम गार्ड तो नहीं है, मगर इतना बोलता है। अब वो दिन नजदीक है जब तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। अरे तुम एक साथ कहाँ से आ रहे हो? ये सोना मुझे रास्ते में मिल गई थी। जाओ अंदर कपड़े बदल लो। जाओ। सैयद के बारे में कोई खबर लाए? जी हाँ, सैयद अगले बुधवार को जेल से रिहा हो रहा है। वेरी गुड। राजन, सैयद वो मोहरा है जिसकी मदद से हम हारी हुई बाजी जीत सकते हैं। जी मुझे मालूम है। अगर वो अदालत में बयान दे रहे कि इस गुंडे का खून तुमने नहीं बल्कि उसने खुद किया है तो अदालत अपने सभी इल्जाम तुम पर से उठा लेगी। ये तो सही है शेर सिंह, लेकिन वो हमारे हाथ आएगा कैसे? और फिर हमारा सामना इस बार एक बहुत ही खतरनाक और चालाक दुश्मन से पड़ा है। हो सकता है कि वो सैयद के रिहा होते के साथ ही उसे अपने कब्जे में कर ले। लेकिन हम उन्हें सैयद तो पहुंच रहे खंदे। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूं बेटी। तुम्हारी कुर्बानी की मैं कदर करता हूं, लेकिन ये कुर्बानी किसी ऐसे आदमी के लिए हो जिसकी कोई इज्जत हो, जिसका कोई भविष्य हो, लेकिन एक मुल्ज़िम के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना ये तो सरासर पागलपन है। चलो बेटी घर चलो। दादी, घर छोड़ते वक्त ही मैंने आपसे यही कहा था और अब भी वही कहती हूँ। राजन बेकसूर है, आज नहीं तो कल वो अपने आप को बेगुनाह साबित करके ही रहेगा। इम्पॉसिबल, अब दुनिया में से कोई ताकत नहीं बचा सकती। जिस दिन कानून के हाथ आ गया वो कम से कम 7 साल के लिए अंदर जाएगा। 7 साल तो क्या, 7 जन्म भी अंदर रह जाऊंगा, लेकिन उसके पहले अपने भाई के खून की एक एक बूंद का हिसाब चुका कर रहूंगा। तुम्हारी ये जरूरत थी मेरी बेटी से मिलने के लिए यहाँ आए? आप अपनी बेटी को यहाँ आने से नहीं रोक सके तो मुझे उसके पास आने से क्या रोके? मुझे इसी घड़ी का इंतजार था कि आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपके गुनाहों की लिस्ट आपकी बेटी को पढ़कर सुनाऊं। पूनम यही वो हस्ती है जिन्होंने मेरे मासूम भाई का कत्ल सिर्फ इसलिए करवा दिया कि उन्हें इनके काले धंधों का पता चल गया। बकवास बंद करो। डैडी, क्या ये सच है? सरासर झूठ। मुझे तुम्हारी निगाह में गिराने की जलील कोशिश है। यही नहीं, तुम्हारे डैडी वो हस्ती है जो दिन के उजाले में तो धर्मात्मा है मगर रात के अंधेरे में राक्षस। जबान को लगाम दो वरना गोली मार दूंगा। इन पर गोली चलाने से पहले मुझ पे गोली चलाइए। ये क्या चलाएंगे गोली पूनम? न खंजर उठेगा न तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए है। एक बात बताओ अजीत साहब, बुरा मत मानिएगा, गोली चलाने के लिए मर्द का जिगर चाहिए जो आपके पास नहीं है। आप गोलियां चलवा सकते हैं ये सही है, मगर चला नहीं सकते। आप लोगों का कत्ल करवा सकते हैं मगर कर नहीं सकते, वो भी रात के अंधेरे में किराए का गुंडे बेचकर। मैं कह रहा कहिए, मुझे कहने दीजिए, आपने मेरे भाई का कत्ल करवाया, मेरे जान पे भी हमले करवाए, जो गुंडा जहर के इंजेक्शन से मारा गया वो आपका आदमी था, जिन लोगों ने मुझे सड़क पर घेरा वो भी आपके आदमी थे, आपका आखिरी हथियार सैयद था। चल सैयद, चला सैयद। आपका प्यारा सैयद, आपका वफादार सैयद, आपका चहेता सैयद, आपका सैयद जिसे लालू को मारने के लिए 10,000 रुपए दिए गए और वो अब चंद दिनों के अंदर जेल से बाहर आ रहा है। दादी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप इतना गिर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपके शान में कोई और गुस्ताखी करूं, आप यहां से चले जाइए और आइंदा मुझसे कभी मत मिलिएगा। ठीक है पूनम, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर चुका। अजय साहब, दूसरों के घरों का चैन बर्बाद करने वाले खुद कभी सुखी नहीं रह सकते। इससे बड़ी एक बाप के लिए सजा और क्या हो सकती है कि आज वो अपनी बेटी के सामने अपनी नजरों में गिर चुका है। राजन फरार सब इंस्पेक्टर, जो कुछ कहना था कह चुके हैं, अब इसका मजा चखना। पूनम, ये जरूर पुलिस को खबर करेंगे। आने वाले चंद दिन हमारे लिए बड़ी आजमाइश के दिन है, तो अपना ख्याल रखना। मैं भागता हूं। अरे हजूर, एक दिन से फर्क ही क्या पड़ता है, आप सैयद को बजाय कल के आज रिहा कर दीजिए। मुझे आपसे पूरी पूरी हमदर्दी है,
लेकिन जेल के कायदे और कानून ऐसे हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। अल्लाह की मर्जी, शायद मेरी बेगम को उसके भतीजे के आखिरी दीदार ही नसीब नहीं है। घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे हजूर, क्या मैं सैयद को एक पल के लिए मिल सकता हूँ? जरूर, चलिए अभी मिलवा देता हूँ। नवाजिश है, नवाजिश है। अरे हवलदार जी, हाय तो बहुत देर कर दी। मुबारक हो सैयद, कल तो तुम रिहा हो रहे हो ना? अरे यही तो अफसोस है प्यारे, बाहर जाकर रोटी पानी की चिंता फिर से करनी पड़ेगी, यहाँ तो तुम करते ही हो। बड़े ठीक हो यार, कुछ तो शर्म किया करो। सैयद, तुम्हारे चाचा जान आए। चाचा जान? कैसे हो बरखुरदार? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है, लेकिन तुम्हारी चची जान आखिरी वक्त पर है। क्या कह रहे हैं चाचा जान? बहुत नाजुक घड़ी है, न जाने कल तक क्या हो जाए। मैं तो तुम्हें आज ही ले जाना चाहता था, लेकिन बेचारे जेलर साहब बहुत मजबूर हैं। खैर, तुम्हें एक नजर तो देख लिया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा जान। खुदा हाफिज। मुझे अफसोस है कि मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। सैयद से मुलाकात करवा दी, ये क्या कुछ कम है? अच्छा जिले साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मर गया, अरे मर गया मैं, किसी को बुलाओ। सैयद, अरे मेरे पेट में दर्द है, किसी को बुलाओ। जिले साहब, जिले साहब, मर गया। अरे बुलाओ किसी को, मर गया, मर गया। क्या हुआ इसे? इसके पेट में दर्द है साहब। हवलदार, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। सैयद कल 3 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है। यकीनन ये बात राजन को ही मालूम है, वो किसी ना किसी तरकीब से उसे वहां से उड़ाने की कोशिश करेगा। तुम्हारा कमाल यही होगा कि तुम उसे वक्त से पहले वहां से निकाल कर अपने पुराने अड्डे ले जाओ और खत्म कर दो। ऐसे होगा बॉस। और सुनो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस गोली सैयद मरने वाला है उससे तुम मारे जाओगे। या अल्लाह, मैं कितना बदनसीब हूं, चची जान के आखिरी दीदार भी ना कर सका। रो मत सैयद, रो मत। शायद उनके जनाजे में। नहीं नहीं नहीं, तुम उनके जनाजे में जरूर शरीक होगे सैयद। मैंने डॉक्टर साहब से तुम्हें जल्दी छोड़ने के लिए इजाजत मांगी है। भाईजान, अगर डॉक्टर साहब ने इजाजत ना दी तो मैं यही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। देखिए, वैसे तो मैं सैयद को आज डिस्चार्ज करने के हक में नहीं, मगर मौका कुछ ऐसा है कि मैं इंकार भी नहीं कर सकता। जरा हिफाजत से ले जाइए। जरूर डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं प्राइवेट एम्बुलेंस लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मंगेतराम, ऐसा देखो मंगेतराम, जरा संभाल कर इनको इनकी एम्बुलेंस तक पहुँचा दो। जल्दी कीजिए, कहीं चची जान का जनाजा ना उठ जाए। दीवाना की गली न जाना, भूले से तू के लिए ये सब है।
दोनों का दीवाना मैं भंवरा मेरा नाम चमेली ही मेरा नाम और चंपा मेरा हर जाए नहीं दीवाने हैं हम तेरे चाहने वाले हैं आ प्यार से लग जा मेरे गले हम आशिक तो दिल वाले हैं ओ, 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 ओ यूं चाहने वालों को मेरी जान करते नहीं बदनाम तुम दोनों का दीवाना मैं भंवरा मेरा नाम ने बहुत देर कर दी लेकिन बहुत तो सैयद को लेकर जरूर आए सैयद को राजन उसके आदमी उठा ले गए तुमने वो गलती की है जो मैं फांसी के तख्ते लटका सकती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा सैयद तेरा ड्रामा नहीं चलेगा समझा मुझे मालूम हो गया तू बीमार नहीं था बल्कि बीमारी का ढोंगरा चाह रहा था क्योंकि तुझे मालूम था इस बार जेल से निकलना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा आखिर तुम्हारा पता लालू का खून किसने किया लालू का खून मैंने नहीं किया तुमने किया था तुमने उसके पेट पे घुसे मार मार के उसको मार दिया था बकवास ये बात सारी दुनिया जानती है अदालत जानती है अदालत नहीं है तेरे बाप शेर सिंह का घर है और शेर सिंह कौन है तुझे अच्छे तरह मालूम है शेर सिंह ये मत समझो कि इंस्पेक्टर अकेला है मैं भी इसके साथ हूँ सैयद तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम लोगों की धमकियों में आकर लालू के खून का इल्जाम अपने सर पे ले लूं ये हर किस नहीं हो सकता मैं लालू को जानता तक नहीं तुम लालू को जानते हो शेर सिंह छोड़ दो ये ऐसे नहीं बताया बता आप क्या जवाब है तेरे पास मैं कुछ नहीं जानता मैं किसी लालू वालू को नहीं जानता तब तो तू मेरे भाई रामचरण को नहीं जानता होगा जिसका खून तूने किया उसके लिए तुझे 10,000 रुपए मिले ये झूठ है मैं किसी रामचरण को नहीं जानता मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब झूठ है मान जाओ सैयद मान जाओ शेर सिंह मैंने किसी का खून नहीं किया अगर सच सच बोल देगा तो मैं तुझे वादा करता हूँ तुझे फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ने दूंगा सजा भी कम से कम दिलवाऊंगा ये भी मेरा वादा है सजा के दौरान तेरे सारे बाल बच्चों का खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा इंस्पेक्टर तुम कसम खाते हो मैं गीता की कसम खाता हूं तो ठीक है मैं अपने जुर्म का इंकार यही नहीं जज साहब बल्कि मिस्टर अजीत ने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया
इनके हाथ न जाने मेरे भाई जैसे कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। राजन एक सजा याफ्ता मुजरिम है जो कुछ अरसे पहले इसी अदालत से फरार हो गया था। अदालत को चाहिए कि ऐसे खतरनाक मुजरिम को हिरासत में ले ले। अगर वकील साहब अपनी आंखों का चश्मा साफ करके देखे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं पहले से ही कानून की हिरासत में हूं। वकील साहब, मैं कानून का सिपाही हूं। अगर कानून से भागना जानता हूं तो कानून के आगे सर झुकाना भी जानता हूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हां तो मिस्टर राजन, अदालत तुम्हें इजाजत देती है कि तुम अपना खास गवाह पेश करो। मेरा खास गवाह सैयद है जो कब से इस अदालत में मौजूद है। सैयद जो अजीत साहब का खास गुंडा था, सैयद जिसे कि लालू को मारने के लिए अजीत साहब ने 5,000 रुपए दिए और मेरे भाई को खत्म करने के लिए 10,000 रुपए दिए। सरासर झूठ योर ऑनर। मुझ जैसे शरीफ और इज्जतदार आदमी का लालू या सैयद से क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या ताल्लुक हो सकता है मैं अभी बताता हूं। सैयद, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अदालत के सामने आ जाओ। हाँ सैयद, सैयद, सैयद। ये खून भी एक साजिश है और किसकी साजिश है आप अच्छी तरह जान सकते हैं। उसे शरीफ और इज्जतदार आदमी की जिसे सैयद भरी अदालत में बेनकाब करना चाहता था। कत अभी हुआ है, इसी अदालत में हुआ है और वो भी अजीत साहब के किसी आदमी ने पिस्तौल में साइलेंसर लगाकर किया है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि किसी भी आदमी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाए। योर ऑनर, ये क्या बकवास है? योर ऑनर, मिस्टर राजन को कोई अख्तियार नहीं कि भरी अदालत में एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाए। एक मिनट वकील साहब, एक मिनट। अगर मैं दोबारा अदालत में हाजिर हुआ हूं तो किसी पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए नहीं बल्कि जुर्म साबित करने के लिए। शेर सिंह, पेपर ऑर्डर लो। योर ऑनर, ये वो बयान है जो मुजरिम सैयद ने मरने से चंद घंटे पहले अपनी जुबान से दिया। ये उस पेशावर मुजरिम का बयान है जिसने जिंदगी में पहली बार सच्चाई की रोशनी देखी, जिसने एक जालिम की गोली का निशाना बनना मंजूर किया मगर अपनी जमीर की आवाज को दबाना मंजूर नहीं किया। बयान सुनिए रोना। मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूं। लालू का खून भी मैं नहीं किया था और आपके भाई रामचरण का खून भी मैं नहीं किया। ये दोनों खून मैंने अपने पास अजीत के कहने से किए थे। शाबाश सैयद, शाबाश। आज तुमने सच्चे इंसान का फर्ज अदा किया।
वेल डन राजन, वेल डन। सर मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी रगों में भी एक शरीफ बाप का खून है। ये सर कट जाएगा मगर आपका सर नीचा नहीं होने देगा। आई एम हैप्पी। अजीत जैसे खतरनाक मुजरिम को ऐसा भयानक सबक पढ़ाना सिर्फ तुम्हारा ही काम था। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुमने जो वचन मुझे दिया था वो पूरा किया। वचन? कैसा वचन सर? बड़फुरदार, बच्चों को सारे राज नहीं बताए जाते। राजन भाई, आपने जो मेरे पीछे भाग भाग कर अपने जूते घिसाए उनकी मरम्मत मैं करा दूंगा। आई एम सॉरी। सालिम खिजा रुखसत हुई, राशन मेरी किस्मत हुई। सालिम खिजा रुखसत हुई, राशन मेरी किस्मत हुई। तकदीर का साहिर मिला, उम्मीद का गुंजा खिला। बच्चों सुनो, कहता हूँ मैं तुमसे मेरी सच्ची कहानी। बोलो